साथियों, कांग्रेस की जो पार्टनर इन क्राइम एक नई पार्टी यहां आई है, वो भी एक के बाद एक, रोज नए झूठ, रोज नई मनगढ़ंत बातें पंजाब में आकर बोल रहे हैं। वो लोग जिनकी दिल्ली में सरकार है, आप अगर इनकी सरकार को देखेंगे तो पता चल जाएगा कि ये लोग सिखों को, पंजाबियों को डगर डगर पर कितना अपमानित करते हैं। दिल्ली जाओगे तो पता चलेगा। आज पंजाब में आकर सिखों को झूठ बोलने वाले इन लोगों ने दिल्ली में एक भी सिख को न मंत्री बनाया है। इतना ही नहीं, ये पंजाब को नशा मुक्त करने की बात करते हैं, लेकिन दिल्ली में हर स्कूल कॉलेज के बगल में शराब के ठेके खोल करके बैठ गए भाइयों। ये कैसे झूठ बोलने में महारथी है, और हर पल आराम से झूठ बोलना, आराम से पलट जाना, कोई परवाह ही नहीं। दिल्ली में प्रदूषण बढ़ता है तो ये पंजाब के किसानों को गाली देते हैं। दिल्ली की हवा खराब हो गई, आपने देखा होगा, ये सब अवेलेबल है, कि मैं कह नहीं रहा हूं। अब दिल्ली में जाओ तो पंजाब के किसानों को गाली दो, और यहां आकर के किसानों को गले लगाने की बात करो, किसी के गले उतरेगा क्या? उतरेगा क्या? ये फरेब चलेगा क्या? जब कोरोना की वेव आई तो इन लोगों ने यूपी, पंजाब, हरियाणा के लोगों को झूठ बोल करके भगा दिया कि बहुत बड़ा भयंकर होने वाला है, महीनों तक खाना नहीं मिलेगा, भागो। जो लोग दिल्ली में, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश के लोगों को भगा देते हैं, वो आज आपके पास आए हैं। आप क्या करोगे? इनको मेहमान गति स्वीकार करोगे क्या? भाइयों बहनों, बात इतनी नहीं है साथियों, इनके इरादे कहीं ज्यादा खतरनाक है। आपने सुना होगा, कल इनके एक पुराने विश्वस्त साथी, जो पिछले बार जो यहां के पंजाब के चुनाव के उनकी तरफ से इंचार्ज थे और उनके खासम खास दोस्त थे, अन्ना हजारे के साथ ये आंदोलन में झंडा लेकर के खड़े रहते थे, और कवि होने के नाते, चिंतक होने के नाते देश भर में उनके कवि सम्मेलनों को सुनने के लिए देश की युवा पीढ़ी घंटों तक इंतजार करती है। ऐसा मां सरस्वती की पूजा में लगा हुआ इंसान, कल उसने कह दिया, जब दर्द काफी हुआ होगा तब उसने मुंह खोला होगा, और कल जब उसने कहा है, उन्हीं के साथी ने जो आरोप लगाया है वो बहुत खतरनाक है दोस्तों, बहुत खतरनाक है। इसलिए जो कल उन्होंने, उन्हीं के एक साथी ने इनके चरित्र का जो वर्णन किया है, इसको हर मतदाता ने, हर देशवासी ने बड़ी गंभीरता से लेने की जरूरत है। पंजाब के मेरे भाइयों और बहनों, ये लोग पंजाब को तोड़ने का सपना पाले हुए हैं। ये लोग सत्ता के लिए अलगाववादियों से भी हाथ मिलाने को तैयार है। सत्ता पाने के लिए इन लोगों को अगर देश भी तोड़ना पड़े तो ये उसके लिए भी तैयार है। इनका एजेंडा और देश के दुश्मनों का एजेंडा, पाकिस्तान का एजेंडा अलग है ही नहीं। इसलिए ही ये सर्जिकल स्ट्राइक पर पाकिस्तान के सुर में सुर मिलाते हैं, इसलिए ही ये पंजाब में
ड्रग्स के नेटवर्क को बढ़ाना चाहते हैं, इसलिए ही ये बॉर्डर पर बीएसएफ के बढ़ते अधिकारों के खिलाफ आवाज उठाते हैं। यही इन लोगों का मंसूबा है, यही इनकी सोच है। लेकिन साथियों, अराजकता और अलगाव के नशे में डूबे इन लोगों को पता नहीं है ये मेरा पंजाब है क्या। ये मेरे पंजाब ने कितने घाव झेले हैं, लेकिन इस देश के लिए मरने मिटने में कोई आगे रहा है तो मेरा पंजाब रहा है भाइयों। पंजाब उन गुरुओं, उन शहीदों की भूमि है जिन्होंने देश के लिए अपने प्राण न्योछावर कर दिए थे। ये पंजाब और ये भारत किसी की साजिशों से टूटने वाला नहीं है। हर भारतीय ऐसी ताकतों के सामने पूरी ताकत से खड़ा है।